हेलो गाइस, सो वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आज आपको मैं दरगाह अजमेर में ख्वाजा गरीब नवाज़ी दरगाह है उसके ज़ारत कराने के लिए लाया हूँ। और बेसिकली आप देख सकते हैं दरगाह के अंदर हम लोगों ने एंट्री कर ली है। यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, आप पढ़ सकते हैं क्योंकि मैं रुकूँगा कि ऊपर, ये सबसे ऊपर जाके जो है ये ऊपर रास्ता जा रहा है, ये है अपना इसे क्या है, वो है अपना देख, जिसमें लोग अपनी मंशा से अपनी इच्छा से चीज़ें डालते रहते हैं। तो आपको दिखाते हैं देख में फ़िलहाल क्या है। देख में चावल हैं और पैसे वैसे वो सब चीज़ें निकाली गई हैं, यानी कि आज का जो कलेक्शन है वो चल रहा है। तो ये लोग अपनी मर्ज़ी से इसमें कुछ ना कुछ डालते रहते हैं, जो चीज़ें लोग लेके आते हैं और इसके अंदर अपना दुआओं के लिए पूरा करने के लिए उन लोगों की उम्मीदें रहती हैं। तो ये मैंने आपको अजमेर शरीफ में दरगाह के ज़्यादा कराने की पूरी मुकम्मल तैयारी है। ये चावल निकाले जा रहे हैं, अभी ऊपर का नज़ारा है आप देख सकते हैं, एक देग छोटा देग वो है। और हम चलते हैं सामने की तरफ, सामने की तरफ चल रहे हैं। तो सामने सबसे पहले हम देखते हैं लेफ्ट हैंड पे हमारे फूलों की दुकान है। तो अभी रात के 10:30-11 बज रहे हैं तो वो बंद हो गई हैं, आप देख सकते हैं सामने। और सामने ये अपना आगे वज़ू खाना है और इधर ये मस्जिद है, महफिल खाना ही बोलते हैं इसे, फिलहाल ये अभी बंद है। तो हम ये चले मेन दरगाह की तरफ में और ये अपना वज़ू खाना हो गया, लोग वज़ू कर रहे हैं फ़िलहाल। और ये हम चले दरगाह की तरफ दूसरे गेट से। तो ये एक ऊपर का एरिया है जहाँ पर लोग नमाज़ पढ़ते हैं, ये रास्ते इधर से भी है, इधर से भी है। और ये अपनी इन्होंने डिवाइडेशन बना रखा है कि लोग इससे थोड़े इधर उधर को रहें। तो एक इनकी जगह ये है जिनकी लिखी हुई है, और जो मेन ये सहीबुल माता फजल एक दरगाह ये है। ये इस समय तो गेट बंद हो गया है, अंदर एंट्री नहीं है और अंदर मोबाइल लेके मैं जाऊंगा भी नहीं। तो ये बाहर का है, ये आप देख सकते हैं सारा। अभी लोग यहीं से गेटों से अपना जो है, और ये है न्यास के पैसे लेने वाले भाई साहब। और ये सारी चीज़ें बंद है अंदर, ये सब पब्लिक है यहाँ बैठी हुई है, पेशे वेशे पड़ती रहती हैं लोगों को यहाँ पे। ये वो एरिया है और ये ऊपर मस्जिद का एरिया है जहाँ पे लोग नमाज़ पढ़ते हैं, ये आप देख सकते हैं। ये हमारे बैक साइड है, यहाँ पे मोस्टली जो है कवाली का रश रहता है। अभी फ़िलहाल तो कोई कवाली नहीं हो रही है, वो उरस उरस के टाइम में होती है। तो हम जो मेन है उधर की साइड में आ गए हैं, ये बाहर ही एग्जिट है, ये एंट्री भी है वैसे तो। मैं आपको बैक साइड से दिखाता हूँ, सब लोग वहाँ पर बैठे हुए हैं। और ये अंदर का एरिया है, ये बाहर का एरिया है सारा, आप देख सकते हो सारा का सारा। और ये अंदर का एरिया है, तो अभी गेट तो बंद हो गया तो लोग वहीं से जा जाके अपना कर रहे हैं। यहाँ पे फूल वालों की दुकान है, फिर अलग अलग दुकान है, ठीक है। आप उधर की साइड चलते हैं अपना दूसरी साइड में। तो काफ़ी पब्लिक है, ये रात के लगभग 10:30-11 का टाइमिंग है, तो रश अच्छा खासा है आप देख सकते हो, हर जगह ऑलमोस्ट पब्लिक ही पब्लिक है। तो वहाँ पे थोड़ी सी शायद कवाली का हो रहा है क्योंकि यहाँ पे मोस्टली ये चीज़ होती है, ये वो सामान है जो यहाँ पे लोग बेचते हैं दरगाह के अंदर। ये खामिद होते हैं और ये सब यहाँ की देख रेख करते हैं, ये इनकी दुकानें हैं, सब सामान यहाँ पे आपको मिलता है। ये भाई की दुकान है और ये अंदर का एरिया है जहाँ से हम ज़्यारत करने के लिए जाते हैं। तो ये हम जहाँ ज़्यारत करने के लिए जाए ये वाकई एरिया है। तो होप यू गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, ये इधर होते नमाज पढ़ रही हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर देना, और जिसने दरगाह शरीफ की ज़्यारत नहीं करी है वो इस वीडियो के माध्यम से कर लेना। और इंशाल्लाह कमेंट में आपके लिए दुआ करूँगा और आप लोग भी दुआ करिएगा। ये कवाली चल रही है जो मैंने आपको जैसे बताया था, और ये यहाँ का रश है। कवाली भी मैं आपको सुनवाऊंगा, फिलहाल मैं आपको बाकी चीज़ें दिखाता हूँ। तो जैसे ये गेट बंद हो गया है तो ये बाकी का एरिया है इधर का, लोग जा रहे हैं। ये मेन गेट है जहाँ से अंदर की एंट्री होती है ज़्यारत के लिए, बट वो तो बंद हो गई है। बट यहाँ से भी आपकी दुआ इंशाल्लाह कबूल होनी होगी, जो वाजिब दुआ होगी वो कबूल हो जाएगी। तो ये मेन एरिया है ये सारा, चलते रहना। ये
ज़ारत वाला एरिया आ गया। दूर से ही वीडियो बनाने में फ़ायदा है क्योंकि कोई मना कर दे इससे बेहतर है आप दूर से ही इसे फॉलो कर लें। यहाँ से लोग दुआएं मांग रहे हैं, इंशाल्लाह सबकी दुआएं कबूल हो, आमीन सुमा आमीन। ठीक है, ये बैक साइड का एरिया आ गया और एक दरगाह यहाँ पर भी है, ये भी एक और दरगाह आप ये देख सकते हैं, दूसरा एरिया है। तो यहाँ पे भी लोग दुआएं मांगते हैं और ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे हर किसी की जो मुराद है और वो जो भाव पूरी होती है और झोली भरती है, ये हमेशा कहा गया है और लोगों ने आजमाई भी चीज़ें यहाँ पे। और इस दरगाह की स्पेशलिटी ये है कि यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई नहीं होता, यहाँ पे हर तरह का बंदा आता है, हर मज़हब का बंदा आता है, सबके लिए वैलिडेशन है। तो आप ये देख सकते हैं सारा, और ये 11 बजे का मंजर है इस समय का, मतलब अच्छा खासा रश है 11 बजे के आसपास में भी, और अगर आप दिन में देखते हैं तो दिन में तो और ज़्यादा होता है। यहाँ पे जुम्मे के दिन इस जगह पे नमाज़ होती है, यहाँ पे हमने कई बार नमाज़ पढ़ी जुम्मे के दिन। और फिर ये भाई की शॉप पे आ गई, ये बाहर का एग्जिट का गेट है, ये यहाँ पे भाई की शॉप है, यहाँ पे सारा दीन से रिलेटेड तजी सामान मिलता है। ये मस्जिद का एरिया हो गया और ये पीने का पानी की जगह हो गई, पानी हम भी देखते हैं ठंडा आ रहा है या नहीं। ठंडा ही है भाई पानी, ये नॉर्मल है, ठंडा है तो बेसिकली पानी पी लिया, वापस चलते हैं बाकी तरफ। ये शॉप जो अब बंद हो गई है क्योंकि रात में ज़्यारत अंदर नहीं होती, दरगाह पे लोग नहीं जा पाते हैं, तो इसलिए हमें कुछ काम नहीं है। तो ये हम वापस अपनी जगह पे आ गए और मैंने आपको ऑलमोस्ट दिखा दिया है। तो होप यू गाइस आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और जिन लोगों ने अजमेर शरीफ में अजगैब निवासी दरगाह पर नहीं आ पाए उन लोग इस वीडियो को देख के अपनी दुआएँ मांगें, इंशाल्लाह पूरी होंगी क्योंकि पूरे करने वाला ऊपर वाला है, हम लोग तो मांगने वाले हैं। और आप कोशिश करें, ये मेन गेट है यहाँ का, ये टाइम देख रहे हैं अब इसे 11:45, मैंने आपको बताया था एड्रेस, टाइम नहीं पता था मुझे भी। और ये यहाँ के कुछ हैं बाबा टाइप से होते हैं जो ये आपको ब्लेस करते हैं, दुआएं देते हैं। मुझे नहीं पता यार मैं इन चीज़ों पर इतना बिलीव नहीं करता कि ये काम करता है नहीं करता है, बट लोग हैं काफ़ी बैठे हुए वहाँ पर आप देख सकते हैं। सो थैंक यू गाइस फॉर छोटे से ब्लॉग के लिए, और दरगाह मैंने आपको दिखा दिया, होप कि आपको अच्छी लगी। तो एक छोटी सी क्लिप बनाएंगे बस इसके लिए, ज़्यादा बड़ी नहीं यार, यही चीज़ थोड़ी सी मुझे है जो थोड़ी सी ऑफवर्ड लगती है बस। और ये बिल्कुल हम मेन गेट के सामने हैं, ये माशाल्लाह से सजावट तो बेहतरीन है, काबिल तारीफ है। ये ऊपर बोर्ड लग रहा है या गरीब नवाज़,